पीछे गया वो 2 किलोमीटर, आगे आया होगा जब पीछे गया ना, बिना आगे आए पीछे जा सकते हैं क्या? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? बीजेपी आती नहीं है और रिटायर्ड अकाली दल के नेता और रिटायर्ड जनरल साहब आके बोलते हैं कि वो हो गया। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैं सैनिक हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा। स्वागत आपका एआर न्यूज इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस शुरू से ही सवाल खड़े करती रही है और अब उनके प्रवक्ताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता किसी भी बहस को लेकर हमारा सामना करने से कतरा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव वल्लभ ने एक ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया और उसमें उन्होंने ये सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि जैसे खबरें ये आनी शुरू हुई कि चीन ने अपनी सेना वापस 2 किलोमीटर पीछे धकेल दी है, यानी पहले जहां आगे आई हुई थी अब वो वापस चली गई है, तो इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी हमारी सीमा में ना घुसा हुआ है और ना ही कोई घुस आया है, उसके बाद से अब जब चीन की सेना वापस जाने की बात हो रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो उस वक्त का स्टेटमेंट गलत था कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी घुसा हुआ नहीं है, तो आखिर अब चीनी सेना वापस क्यों जा रही है और कहां से जा रही है? क्या वो चीन अपनी ही जमीन से पीछे खिसक रहा है? इस तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी को लेकर गौरव वल्लभ का एक वीडियो है, वो भी आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से गौरव वल्लभ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीछे जाने का क्या मकसद है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो पर बात करेंगे। पीछे गया वो 2 किलोमीटर, आगे आया होगा जब पीछे गया ना, बिना आगे आए पीछे जा सकते हैं क्या? हालांकि इनके यहाँ तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी इनके मंत्रियों ने चेंज किया हुआ है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बिना आगे आए पीछे। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से गौरव वल्लभ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद गौरव वल्लभ एक वीडियो और ट्विटर पर शेयर करते हैं और ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी के प्रवक्ता भारत और चीन के विवाद को लेकर किसी भी तरह की बहस का सामना करने से, हमारा सामना करने से कतरा रहे हैं। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है सामने आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि इसमें बीजेपी के प्रवक्ता कितने हैं, इस तरह की जो है सवाल करने की कोशिश की है और जो वो सवाल कर रहे हैं वो वीडियो भी आप देख लीजिए। जी अंजना जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि सीमा पर यथा स्थिति के लिए दबाव क्यों नहीं डाला? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जमीन जब हमारे सेना के 20 निहत्ते जवानों ने शहादत दी, चीन उसे सही कैसे ठहरा रहा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? बीजेपी आती नहीं है और रिटायर्ड अकाली दल के नेता और रिटायर्ड जनरल साहब आके बोलते हैं कि वो हो गया। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैं सैनिक हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर जदयू आ जाती है बीच में, जदयू आके ये पूछने लगती है कि राजीव गांधी नहीं देंगे, वो तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरी जब सुन तो लीजिए, जदयू आ गई बीच में, जदयू बोलती है राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिया? अरे हमने कहा अभी शत्रु देश से पीएम केयर में क्यों नहीं लिया? जितने आरएसएस आ जाती है वो रूस पे ले जाती है। अरे सिंपल सी 3 बातें हैं। मैं रिटायर्ड अकाली दल के नेता और जनरल साहब से चाहूंगा वो भी जवाब दे, मैं चाहूंगा जदयू भी जवाब दे, मैं चाहूंगा आरएसएस भी जवाब दे। सीमा पर मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं डाला गया राहुल गांधी ने? तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि गौरव वल्लभ इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो इनके वायरल हुए हैं जब वो संबित पात्रा से 5 ट्रिलियन में 0 पूछते हुए नजर आते हैं, वो काफी वायरल हुआ था और अब जैसे भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है, गौरव वल्लभ लगातार टीवी चैनल्स की डिबेट पर भी नजर आते हैं और साथ ही साथ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी सवाल पूछते हुए सत्ता से नजर आते हैं, वीडियो के माध्यम से भी और लिखित में भी। आपको क्या लगता है इस पूरी बहस को लेकर और जिस तरह से गौरव वल्लभ आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता सवालों से बच रहे हैं इसलिए डिबेट का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी चैनल पर अगर आप नए आए हैं और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।